मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के हॉल में किया गया। आयोजन भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनुप गुप्ता एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, देश के छात्रों के अंदर की प्रतिभा और उसकी मेधा की हौसला अफजाई का काम करते रहते हैं पीएम मोदी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया पलटवार, कहा गुजरे जमाने के कद्दावर नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, किए हमेशा अपनी जाति की राजनीति, लेकिन अपनी ही बिरादरी वालों के लिए उन्होंने नहीं किया कोई काम। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई विशाल बाइक रैली, कहा 30 जनवरी को होने वाले चुनाव को भारी मतों से एक तरफा जीतेगी भाजपा। जनवरी से 16 फरवरी तक हो रहे सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया शुभारंभ, कहा कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी सहित अन्य खेलों के युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, 17 जनपदों के सभी 321 बूथों पर महत्वपूर्ण सामग्रियों का हो चुका है वितरण, कहीं पर भी नहीं आएगी किसी प्रकार की समस्या। गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दीप प्रज्वलन एवं सेवा शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर टी दिलीप कुमार ने कहा, चिकित्सक के समानांतर होती है परिचारिका, नर्स की भूमिका। और भाजपा विधि प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र द्वारा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में पत्रक वितरित कर अधिवक्ताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील, कहा बुद्धिजीवी वर्ग को विधान परिषद चुनाव में राष्ट्र और समाज हित में सरकार और संगठन का साथ देने की है आवश्यकता।